हे बॉडी जब गई तो यार आज को एक न्यू वीडियो के साथ वापस और यार आज वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम लोग पबजी मोबाइल ग्लोबल में 1.3.0 का जो अपडेट आया है रिसेंटली उसे कैसे अपडेट कर सकते हो। और यार तुम लोग को लॉबी देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैंने भी 1.3.0 का जो अपडेट है वो कर लिया है। तो आज वाली वीडियो में मैं तुम्हें एकदम आसान यानी कि इजी ट्रिक बताने वाला हूँ जैसे तुम लोग पबजी मोबाइल ग्लोबल को बहुत ही ज़्यादा आसानी से 1.3.0 में अपडेट कर पाओगे और ये थर्ड एनिवर्सरी जो आई है उसको तुम लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हो पबजी मोबाइल ग्लोबल में। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ। और यार मैंने आज चेक किया कि मेरे चैनल को 80% बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जो रोज़ वीडियो भी देखते हैं। तो यार ऐसा मत करो, बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो अब चलो बताते हैं कि तुम्हें 1.3.0 का जो अपडेट है वो पबजी मोबाइल ग्लोबल में कैसे करना है। तो यार अब इसके बाद तुम लोग को किसी से भी अपने एक ब्राउज़र में आ जाना है। तुम लोग क्रोम ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं किसी भी एक ब्राउज़र में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर देखो तुम्हें लिखना क्या है। यहाँ पर तुमको लिखना है टैप टैप APK डाउनलोड। ये तुम्हें यहाँ पर लिख देना है टैप टैप APK डाउनलोड। एंड यहाँ पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें जो फर्स्ट वाली वेबसाइट दिख रही है www.tap.io इस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। एंड यार इस पर जब भी तुम क्लिक करोगे तो इसका जो एप्लीकेशन है उसे तुम्हें डाउनलोड कर लेना है डायरेक्ट। ये एंड्रॉयड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। अब इसको देखो तुम्हें करना क्या है एंड पबजी मोबाइल ग्लोबल को 1.3.0 में अपडेट कैसे करना है। तो अब तुम्हें इस वाले ऐप में आ जाना है जो अभी मैंने तुम्हें डाउनलोड करने को बोला टैप टैप, एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस ऐप है यार, तुम्हें पता होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आ जाना है तुम्हें एंड इसका जो इंटरफेस है इस ऐप का कुछ तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें तुम्हें सर्च बटन ऊपर देखने को मिलता है। तो तुम्हें इस वाले सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर मैं सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर एकदम ध्यान से तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें लिखना है पबजी मोबाइल, ठीक है। पबजी मोबाइल जब भी तुम लिखोगे तो यहाँ पर पबजी मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशंस हैं सारे के सारे आ जाएंगे। देखो सबसे पहले पबजी न्यू स्टेट आ रहा है, पबजी केआर आ रहा है, पबजी टेस्ट ग्लोबल और पबजी मोबाइल 100 रिदम जो अभी न्यू अपडेट आया है। तो इसे तुम्हें क्लिक करना है पबजी मोबाइल 100 रिदम और उसके बगल में ग्लोबल लिखा होगा, ठीक है। उसी वाले ऑप्शन पे तुम्हें क्लिक करना है, उसी वाले एप्लीकेशन पे। यही मेन पबजी मोबाइल ग्लोबल है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो तुम्हारा यहाँ पर जहाँ मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर तुम्हें अपडेट का ऑप्शन आएगा। अब देखो मैंने ऑलरेडी ही पबजी मोबाइल ग्लोबल को अपने 1.3.0 में अपडेट कर लिया है इसलिए मेरा यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, बट तुम्हारा यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा। अब ये जो अपडेट है 1.3.0 पबजी मोबाइल ग्लोबल का ये तुम्हारा 650 MB का होने वाला है तो डेटा जो है वो बचा के रखना। एंड साथ ही साथ जब तुम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उसके अंदर भी स्टार्टिंग ऐप का 200 MB लेगा यानी कि 200 MB के आसपास तुम्हें और भी एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। 800 MB के आसपास का ये अपडेट होने वाला है। तो PUBG मोबाइल ग्लोबल को 1.3.0 को अपडेट करने में तुम्हारा 800 MB लगने वाला है ये पूरा अपडेट करने में। अब देखो इसके बाद तुम्हें अपना एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हो सकता है कि तुम्हारा एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आए और तुम्हारा ओपन ना हो। वैसे यहाँ होता तो नहीं है यानी कि ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है ऐप, बट तुम्हें लॉगिन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए तो तुम एक मिनट के लिए कोई सा भी VPN को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और यार जब भी तुम VPN को डाउनलोड करके एक मिनट के लिए चलाओगे तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है PUBG मोबाइल ग्लोबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो तुम्हारा PUBG मोबाइल ग्लोबल है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली लॉगिन भी हो जाएगा। अगर तुम्हें लॉगिन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो एक मिनट के लिए VPN को ऑन कर देना, उसके बाद तुम लोग ऑफ कर देना। और देखो मेरा काफ़ी ज़्यादा ईजिली यहाँ पर अपडेट हो गया है 1.3.0 PUBG मोबाइल ग्लोबल। तो तुम लोग इस ट्रिक का यूज़ करके यार काफ़ी ज़्यादा ईजिली PUBG मोबाइल ग्लोबल को अपडेट कर सकते हो जो न्यू अपडेट आया है 1.3.0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो यार तुम्हें पसंद आई होगी एंड अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी ना जाना। एंड अगर तुम नए हो इस वाले चैनल पे तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दो। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड पीस आउट।